तमाम मुसलमानों को सलमान मेंसूर की तरफ से रमजान मुबारक। वालेकुम पूरे बलगाम वालों को ताज दरबार हैदराबादी रेस्टोरेंट की तरफ से ईद मुबारक। सबको सलाम। अभी हम लोग जो इधर से कम हमारे अब्बा चाचा और हम करीबन 50 साल से इधर कारोबार तिजारत कर रहे हैं। अपने हिंदू भाई आते हैं, सिख आते हैं, ईसाई आते हैं, सभी आते हैं, मिलजुल के करते हैं। इस साल रमज़ान माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। हाँ, 2 साल से तो लॉकडाउन में जो है सबकी ये हो गई थी। इस साल जो है माशाल्लाह लोग जो है खुश है, कारोबार में भी खुश है। बेलगाम का रमज़ान पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है, बड़े बड़े सिटीज़ के मुकाबला करता है, बॉम्बे, दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलोर। और ईद मुबारक। मैं अनगोल से आया हूं और इस साल रमज़ान मुबारक का चहल पहल यहां पे बहुत अच्छी तरह से हो रहा है। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतज़ाम यहां पे किया गया है। 2 साल लॉकडाउन की वजह से कुछ यहां पे लोग रौनक ख़त्म हो गई थी, अब यहां पे पूरी तरह से रौनक वापस लौटी है। इंशाल्लाह हर साल ये रमज़ान मुबारक इसी तरह से गुजरे मैं दुआ करता हूँ और सब लोगों को रमज़ान मुबारक की बात देता हूँ।
अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। इतिहास न्यूज़ के सभी व्यूअर्स को एम इकबाल बुक डिपो की तरफ से रमज़ान मुबारक है। सारे मुसलमानों को रमज़ान मुबारक। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार सारी दुकानें खुली है, लोगों के चेहरे पर बहुत मुस्कुराहट है। ईद की सबकी, रमज़ान की ईद की तैयारी सब लोगों में लगी हुई है और अल्हम्दुलिल्लाह सब दुकानदार भी खुश है। अच्छी खासी मतलब पब्लिक बेलगाम डिस्ट्रिक्ट से, रूरल से और फिर लोकल पब्लिक सब आ रहे हैं ख़रीदारी के लिए। सब दुकानदार भी खुश है, घर वाले वगैरह लोग अपनी ईद की खरीदी की तैयारी के पीछे लगे हुए हैं। हमारे सबके यही अपील है, सब लोग जो है अपना अपना जो है जो हो सकता है पीस के लिए कोशिश करें, इत्तेहाद मेंटेन करें, एक दूसरे के लिए जो है ताउन करें और बढ़ चढ़ कर एक दूसरे के खुशी के लिए मदद करें। शुक्रिया, अल्हम्दुलिल्लाह। तवक्कल वालों की तरफ से आप सबको ईद मुबारक। और दो साल लॉकडाउन के बाद आप भाई कहने इस साल अल्लाह के करम से बदले करम से आए, फिर भी अच्छे है मार्केट और धंधा धंधा सब फिलहाल अच्छा है। अल हिबा डिज़ाइनर कलेक्शन की तरफ से तमाम बेलगाम वासियों को रमज़ान की मुबारकबाद। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अल्हम्दुलिल्लाह इस बार रमज़ान के मौके पर बहुत सारे हजरात जो गुज़िश्ता दो सालों से रमज़ान के मौके पर लॉकडाउन वगैरह हो रहे थे तो बिज़नेस के एतबार से भी हमारे सब भाई परेशान थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इस बार अल्लाह का फजल हुआ, करम हुआ कि रमज़ान भी आफिस से गुज़रा और जैसी तजारतें सब की होनी थी अल्हम्दुलिल्लाह सब हो रही हैं। अल्लाह और बरकत अता फरमाए, अल्लाह और खैर अता फरमाए। और अल्हम्दुलिल्लाह खजूर के सिलसिले में भी हमारे पास बहुत सारे बेलगाम से, बेलगाम के बाहर से, अतराफ़ के इलाकों से भी माशाल्लाह बहुत सारे कस्टमर आए और खजूर की भी अच्छी खासी तिजारत रही, कारोबार अच्छा रहा माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम हमारे अहबाब से, साथियों से, दोस्तों से हमारी दरख्वास्त है कि रमज़ान के बाद भी मुस्तकिल आते रहें और मदीने मुनव्वरा की जो खजूरें हैं उससे फ़ायदा उठाते रहें। अल्लाह ताला हम सबको सही मानों में रमज़ान की भी कदरदानी करने की तौफीक अता फरमाएँ और रमज़ान में जिस तरह हम आमाल के साथ ज़िंदगी गुजारे हैं बाद में भी इंशाल्लाह वही आमाल के साथ ज़िंदगी गुजारने की तौफीक अता फरमाएँ।
अस्सलामुअलैकुम। इस साल काफ़ी रमज़ान मुबारक अच्छा गुजर रहा है। दो सालों से लॉकडाउन की वजह से काफ़ी लोगों में परेशानी थी, मगर इस साल अल्लाह का बहुत बड़ा फजल व करम हुआ कि सभी लोगों को रमज़ान मुबारक बहुत अच्छा गुजर रहा है। लोग अपने कारोबार भी कर रहे हैं और इबादत में भी लगे हैं। अल्लाह ताला हमें ऐसा रमज़ान बार बार नसीब फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम। अस्सलामु अलैकुम। होटल चार मीनार से मैं मुजम्मिल। माशाल्लाह अभी इस रमज़ान में जो है हमारा कारोबार भी अच्छा खासा चल रहा है माशाल्लाह। पिछले दो साल पहले जो है कोरोना की वजह से बहुत सारे कारोबार वालों को परेशानी हुई थी। इस बार अल्लाह के फजल से माशाल्लाह सारे कारोबार जो है तमाम हजरात के अच्छे खासे चल रहे हैं। हम अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला आइंदा भी हर रमज़ान में जो है तमाम कारोबार करने वालों के कारोबार में बरकत दे और सबको जो है रमज़ान की सही माने में कदरदानी की और सही इबादत की तौफीक अदा फरमाए। और हमारे तरफ से हमारे तमाम कस्टमर्स को और बेलगाम वालों को और तमाम उम्मत मुस्लिमों को रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जिम स्टडर की तरफ से रमज़ान ईद मुबारक। माशाल्लाह बेलगाम में जो हमने दुकान शुरू किया है उसका रिस्पांस रमज़ान में बहुत अच्छा मिला हमें, और कम से कम बजट में आपको शेरवानी, जॉकेट, सूट, कुर्ता पजामा, पैंट शर्ट कम से कम बजट में बनाकर देने की कोशिश करेंगे। आप आएँगे इंशाल्लाह हम ज़रूर बनाएँगे। रमज़ान बहुत अच्छा रहा है इस साल का। लॉकडाउन था दो साल लॉकडाउन की वजह से कुछ व्यापार वेपार कुछ नहीं हुआ। माशाल्लाह अल्लाह करम इस साल बहुत अच्छा रहा है रमज़ान। सभी को रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। या दरबार गली खुद से हम बोल रहे हैं। यहाँ रमज़ान के एक अलग ही बात हो जाती है, क्योंकि पूरे अलग अलग शहर के लोग बेलगाम में घूमने के लिए आते हैं और यहाँ का रमज़ान का मज़ा लेते हैं। और यहाँ बहुत सुकून पड़ता है, सब जातों वाले आते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सब यहाँ मिलजुल के रहते हैं और एक साथ रमज़ान का मज़ा लेते हैं। ये सबका पुलिस डिपार्टमेंट भी हमारा साथ दिया है और ईद मुबारक बोलता हूँ। इस साल रमज़ान बहुत अच्छा है। ईद मुबारक।
तुम? यहाँ हम तंदूर फैक्ट्री 2 साल से हमारा कारोबार थोड़ा नहीं रहा, ये साल अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से अच्छे से रहा, बहुत शांति से रहा। हर चीज़ हर किस्म के यहाँ पे फूड मिलेंगे आपको। स्पेशल हमारा कबाब है, सिख कबाब है, बोनलेस है, फिर चिकन क्रिस्पी है, सौते हैं, फिर आपको ये समोसे अच्छे से मिलेंगे, फिर मुर्गी तंदूर मिलेगी। इसके बिना अच्छे से हमारे यहाँ से कारोबार अच्छा रहा ये साल अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत शांति से रहा, बहुत अच्छे से कारोबार हो रहा है। और हमारे तरफ से सबको हमारे तरफ से ये रमज़ान का मुबारक, ईद मुबारक हम। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह ये बार का रमज़ान बहुत अच्छा बिता है। 2 साल लॉकडाउन में एकदम पूरा खाली होता, इंशाल्लाह अल्लाह की फजल से ये साल बहुत अच्छा रमज़ान था। सभी मुसलमान जितने भी हमारे इंडियंस हैं जितने भी हैं सबको ईद मुबारक हो। दो साल लॉकडाउन की वजह से रमज़ान ख़त्म हुआ ऐसे ही गया, तकलीफ़ों में गया। ये साल माशाल्लाह अच्छा है, अल्लाह का शुक्र है, और तमाम मुसलमानों को ईद मुबारक। इस साल कारोबार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रहा। पिछले साल 2 साल कोरोना की वजह से भारी तकलीफ नुकसान झेलनी पड़ी लोगों को, इस साल अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा था। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम। सबसे अहम बात यह है कि ये जो महीना रमज़ान का है इबादत वाला, ये बहुत अच्छा चल रहा है। ऊपर से अपनी सिटकॉन की स्टॉल भी लगी हुई है। सब अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हो रहा है। आप सभी को रमज़ान मुबारक। अस्सलाम वालेकुम।